हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप और लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू कूल वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैं थोड़े दिन से वीडियो नहीं डाला था, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन ये वीडियो बनने को तो तैयार था पर मैं बना नहीं पाया, लेकिन अब मैं ये वीडियो बनाने आया हूं। ये वीडियो जो है ये वूफर के ऊपर है, ठीक है। एक स्पीकर है और जो इसमें मटीरियल मैं यूज़ करने वाला हूं वो पुराना मटीरियल है, यानी कि जो सामान जो इसका है वो पुरानी वाली आईसी होगी, जो मैंने एक स्पीकर की जो अभी भी वीडियो डाल रखी है वही वाली, तो आप उसे जरूर से देख सकते हैं। वायरिंग भी सेम है, लेकिन जो स्पीकर है वो स्पीकर में थोड़ा चेंज है। इसमें इस बार जो मैं स्पीकर यूज करने वाला हूँ, वो इस बार जो स्पीकर है वो सिर्फ एक स्पीकर है। उसमें मैंने तीन स्पीकर यूज किए थे, छोटे ट्विटर यूज किए थे बेस के लिए। आप इनमें एक ही स्पीकर को यूज कर सकते हैं और इसमें बेस की खास जरूरत नहीं है, बस आप बेस लगा सकते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला स्पीकर जो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ वही बेस का काम भी कर देता है। तो चलिए मैं आपको सामान दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास ये स्पीकर है, ये ठुकराल का स्पीकर है और ये मेरा पुराना, काफ़ी पुराना स्पीकर है। मैंने अभी इसको परचेज नहीं किया है हाल ही में, ये काफ़ी पुराना स्पीकर है। मैंने एक लकड़ी के बोर्ड में वैसे बना कर रखा था। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम पर काम करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है और इतने ओम पर चल जाता है। मैक्सिमम इसको 400 वाट तक का चाहिए मैक्सिमम, और जो कम चाहिए वो 40 वाट। यानी कि इस स्पीकर की खास बात यह है कि 400 वाट की जो कोई भी अगर आईसी से आप यूज़ करते हैं इसको तो ये काम करेगा, लेकिन आप और मैक्सिमम जो कम होती है आईसी जिसकी 40 वाट पर, ये उस पर भी काम कर जाती है। और आप देख पा रहे हैं फॉर्म वगैरह काफ़ी अच्छा है स्पीकर, और रबड़ वगैरह से अच्छे तरीके से इसको वो किया हुआ है, बैंड किया हुआ है, और काफ़ी वजन है इसमें। वैसे इतना भी भारी नहीं है, लेकिन वजन है कि एक हाथ से आप थोड़ा मुश्किल से इसे उठा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा स्पीकर है इसका बेस मैं आपको और साउंड आपको सुनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ आईसी के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पास आईसी, वो ये वही आईसी है और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सेम अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपको वायरिंग सेम करनी होगी, बस थोड़ा सा चेंज क्या करना होगा, स्पीकर चेंज करना होगा। लेकिन फिर भी दिक्कत ना आए आप लोगों को और मेरे को, इसीलिए मैंने पूरी वीडियो में इसमें समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके मैं वीडियो के दो पार्ट बनाने वाला हूँ, एक पार्ट मैं भी डालूंगा, सेकंड पार्ट मैं बाद में डालूंगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छी आईसी है, ये तो आपको सब जानती हैं, और ये काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रही थी। तो आपने देखे तो तीन स्पीकर इसने चलाए थे जो मैंने आपको बेस के तरीके से इसमें बताए थे, ठीक है। और ये जो मैं यूज़ करने वाला हूँ रेगुलेटर, जो कंट्रोलर जो होते हैं वॉल्यूम कंट्रोलर, उसको यूज़ करने वाला हूँ, रेगुलेटर नहीं वॉल्यूम कंट्रोलर। तो इसको मैं मेन वॉल्यूम के लिए रखूँगा, इसे मैं बेस के लिए रखूँगा। सेम पैटर्न है, ज़्यादा कुछ नहीं है, उसको वॉल्यूम के लिए, इसको बेस के लिए, और ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम से पॉइंट होंगे, बस हम वहाँ पर ट्विटर को नहीं जोड़ेंगे। और 0.12 0.12 का ही हमारे पास ट्रांसफार्मर होना चाहिए, सेम वही ट्रांसफार्मर है, वही ट्रांसफार्मर को यूज़ करने वाला हूँ इस बार भी, और पहले भी मैंने इसी ट्रांसफार्मर को यूज़ किया था। इससे हमें 3 एम्पियर की पावर मिलती है हमारी आईसी को चलाने के लिए। काफ़ी अच्छा है ये एम्पलीफायर, मतलब बनाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। अब दूसरा हमारे को जो यूज़ करने के लिए होगा वो हमारे को पता ही है भैया, यूएसबी मॉड्यूल। इसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये चैनल यही देता है, हम डायरेक्ट भी उसे लगा सकते हैं, तो वो हमारा भैया ब्लूटूथ अगर हम चाहें तो उसमें भी फिक्स कर सकते हैं, और ऑक्स केबल भी हम उसमें लगा सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। वैसे ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप लगा सकते हैं इस, अगर आपके पास ये मॉड्यूल नहीं है तब वो ऑप्शन तब रहते हैं आपके पास, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो कोई ऑप्शन की बात ही नहीं रहती है। तो ये भी है एक चीज़। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हैं जो पहली वाली वीडियो में मैंने दिखाया, तो सेम टू सेम पॉइंट सेम जोड़ देने हैं, पहले पीला फिर ब्लैक फिर पीला, ठीक है। सेम पॉइंट आपको देख लेने हैं और उसी तरीके से इन पॉइंट्स को जोड़ देने। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं यूएसबी मॉड्यूल जो है हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये है यूएसबी मॉड्यूल। तो आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि तीन जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर इसके जो कनेक्ट करने के लिए, वो हमें नहीं लगाने, लेफ्ट और जो राइट जो होते हैं ग्राउंड वायर वो वाले, ठीक है। यहाँ पर हमें यूज़ करने सिर्फ दो वायर, जो राइट वायर है वो हमें यूज़ नहीं करना, ग्राउंड वायर और लेफ्ट वायर यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ कि उनको कनेक्ट क्या करना है। देखिए यहाँ पर दूसरा और ये पहला वाला पॉइंट जो है यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा दूसरा तार यूज़ करूँगा, इसके जो कनेक्शन है यहाँ पर मैं इन दोनों को करूँगा, ठीक है। लेकिन जो है इसका कनेक्शन हम उसमें करेंगे वॉल्यूम कंट्रोलर में, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है, पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके जो पॉइंट्स ये हुए हैं हमारे, ये पॉइंट्स हम जब वॉल्यूम कंट्रोलर लगाएंगे उसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसी में हम ये लगाएंगे, ठीक है ना।
तो जब मैं वॉल्यूम कंट्रोलर के आपको कनेक्शन दिखाऊं तो आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है, आगे वाले। अब जो है हम उसके कनेक्शन भी कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर स्पीकर के कनेक्शन करूंगा। ये यहां पर जो तीन पॉइंट है हमारे ये वाले, इसमें, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने स्पीकर के पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखा देता हूँ और बेस के कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ग्रीन वायर है हमें इसको छुटाना है यहाँ से, क्योंकि ये हमारा पॉइंट राइट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसे हम करने वाले हैं ग्राउंड वायर, ठीक है, ग्राउंड में जोड़ने वाले हैं। तो हम इसे छुटा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो हमारा ग्राउंड वायर है, ये वाला ग्रीन वाला, हम इसको इस पर पॉइंट हिट कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो गलती से वहाँ पर हमारा वजह कनेक्ट हो गया था, ठीक है। और ये येलो पॉइंट है, इस येलो पॉइंट को हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है और इसे सेकंड जो ग्राउंड जो हमारा ग्रीन लग रहा था उससे पहले, उस ग्रीन में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और बस इतना सा काम कर देना, उसके बाद आपका एम्पलीफायर भैया रेडी होने वाला ही है। अब हम आपको वायरिंग करके दिखा देते हैं, किस चीज़ की, वॉल्यूम कंट्रोलर की, ठीक है ना, जो हमें अप एंड डाउन वॉल्यूम चाहिए उसकी। देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने वॉल्यूम कंट्रोल को इसी तरीके से रख लेना है, ठीक है। और आपको पहला वायर जो लगाना है वो आपको लगाना है ग्राउंड वायर इसमें, ठीक है, इस वाले पॉइंट में। लेकिन आपको पहले उससे क्या काम कर लेना, वो ये काम ये कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंटों को आपको मिक्स, मतलब मिला लेना, ये दोनों पॉइंटों को, ठीक है। और इन दोनों पॉइंटों पर ही रखना आपको ग्राउंड वायर, ठीक है। और जो आपका जो येलो वायर है उसको आपको इस पॉइंट पर लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो हमारा USB मॉड्यूल है अब उसको लेना है, और उसका जो ग्राउंड वायर जो बीच वाला है G पॉइंट, उस G पॉइंट को लेना है और आपको ग्रीन पर लगा देना है, ठीक है। इस G पॉइंट को ग्रीन पॉइंट पर लगा देना है, जो आपने ग्रीन वाला तार को जोड़ा है उसी तार पे इसे कनेक्ट कर देना है। और इसके ठीक नीचे जो आपका लेफ्ट चैनल बचा है, इस लेफ्ट चैनल को लगा देना है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर इस लेफ्ट चैनल को, देखिए आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारे वॉल्यूम कंट्रोलर के हो गए हैं कनेक्शन पूरे, ठीक है। अब हमें किस चीज़ के कनेक्शन करने हैं, यहाँ पर जो हमारा IC में बेस है, इन तीनों पॉइंटों पर कनेक्शन करने हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जो 5 वोल्ट का जो स्पीकर है उसको कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है बेस की। बेस का काम हमारा जो बड़ा स्पीकर है वो खुद ही कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे ये 3 वायर पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको, हम यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये जो 3 पॉइंट है, ये इस वाले के, इसके और इसके, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, हमारे तीनों पॉइंटों को लगा देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा बेस का जो काम है, ये कर बेस जो खोलता है, इसकी मदद से हम इसको बेस को अप एंड डाउन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप इस तरीके से इन तीनों पॉइंटों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए मैंने आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से, जिस तरीके आप और अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है। इसी तरीके से आपको कनेक्शन पूरे तरीके से कर देने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको आपको क्या करना है, ये है हमारा बेस कंट्रोलर, ठीक है। तो हमको आप देखिए सीधे से पॉइंट लगा देना है, एक पॉइंट पर यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो मैं अब इसके कनेक्शन कर देता हूँ आपके ठीक सामने सामने, हैंड टू हैंड। तो ये देखिए मेरा पहला पॉइंट जोड़ा, और ये देखिए अब मैंने दूसरा पॉइंट जोड़ा, और ये देखिए अब तीसरा पॉइंट जोड़ दिया, ठीक है। हमने तीनों पॉइंटों को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे आपको चलाकर दिखा देते हैं, लगभग हमारा सारा काम हो चुका है, ठीक है। और जो हम USB मॉड्यूल को चलाने के लिए जो पावर लेंगे, वो हम भैया एक चार्जर से लेंगे, जो कि देखिए यहाँ पर मैंने ये USB जो होती है उसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने टेबल पर सारा सेटअप तैयार कर रखा है, ठीक है। मैंने नो कॉपीराइट म्यूजिक सारी चीज़ें पहले से लगा रखी हैं, जिससे आपको आसानी रहे और मुझे भी आसानी रहे पहले से आपको चेक करके दिखाने की, ठीक है। तो आपको इसकी तरफ देखना है, मॉड्यूल की तरफ, तो देखिएगा आपको यहाँ पर ऑन लाइट आ जाएगी और थोड़ी वेसेज भी सुनाई देने लग जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लूटूथ मोड्स के लिए आ चुका है, और मैंने ब्लूटूथ पहले से ही कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट में गाना सुनाकर दिखा देता हूँ, नो कॉपीराइट म्यूजिक जो रहेगा, साउंड चलाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, thank you।
सारी की सारी चीज़ें दिखा दी, ठीक है, चलाकर दिखा दिया, अच्छे तरीके से ये वर्क भी कर रहा है। अब मैं इसकी जो बॉक्स वाली वीडियो मैं अभी नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो वैसे भी ऑलरेडी 11 मिनट का हो चुका है और मैं कह सकता हूँ ये मिनट शायद मेरे ख्याल से 10 मिनट का वीडियो जाएगा, कट पिट करके मैं इसे कट करूँगा। अभी अगर मैं और वीडियो अगर मैं बनाता हूँ उस वीडियो को, मतलब उसको भी ऐड कर देता हूँ बॉक्स में जो मैंने पहली वाली यूज़ की थी, तो कम से कम ये वीडियो 30 मिनट की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ये वीडियो आप देख पाएंगे, आप 10-10 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। तो मैं उसी तरीके से आपको बनाकर देने की कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो को 10 मिनट की वीडियो बनाकर रखूं, ठीक है। अगर आपको कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट आप कर सकते, मतलब कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर कोई भी आपको कुछ भी खराबी लगती है तो, या आपको कनेक्शन नहीं समझ में आते, या मैंने कभी भी कनेक्शन गलत किए हो, वैसे तो नहीं किए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कनेक्शन किए हैं तो मुझे जरूर से बताइएगा। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।